Hello everyone, welcome to the free study jam and subscribe this channel for free study of mechanical engineering and general studies. तो आज हम लोग बात करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन के क्वेश्चन नंबर 181 से लेके 210 तक. इससे पहले हम लोग आरके जैन बुक से थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफ़र, फ्लूइड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को कवर कर चुके हैं, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. ठीक, तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो पहला क्वेश्चन है, फॉर लार्ज रेंजेस ऑफ पावर एंड स्पीड एंड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द पावर द फॉलोइंग डायनमोमीटर इज़ यूज्ड. ठीक, तो देखिए ये जो आपके जो डायनमोमीटर वाले क्वेश्चन हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे. ठीक, कि लार्ज रेंज ऑफ पावर के लिए किसको यूज करते हैं, स्पीड के लिए किसको यूज करते हैं, ठीक, लो आउटपुट हो तब किसको यूज करते हैं. ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे. ठीक, तो पहला वाला है तो एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ पावर और लार्ज रेंज ऑफ पावर एंड स्पीड के लिए हम यूज करते हैं फ्राउड वाटर वोल्टेक्स डायनमोमीटर. ओके, तो इसके आप लोग क्या आप लोग वो करा कीजिए कि इसके नोट्स बना लीजिए के लिए. ठीक, ऑब्जेक्टिव के नोट्स. ओके, तो आपको रिवीजन करने में कम टाइम लगेगा जब आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा तब. इसके बाद 182 है, द फॉलोइंग डायनमोमीटर इज़ वाइडली यूज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाइड रेंजेस ऑफ पावर एट वाइड रेंज ऑफ स्पीड्स. तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं हाइड्रोलिक डायनमोमीटर को. इसके बाद 183 है, फॉर मेजरिंग पावर्स ऑफ मशीन्स हैविंग हाई स्पीड एंड कंपेरेटिवली लो आउटपुट्स फॉलोइंग डायनमोमीटर इज़ यूज. तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर डायनमोमीटर. ओके, तो 183 का करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट. इसके बाद आपका 184 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिशन डायनमोमीटर. तो देखिए ट्रांसमिशन डायनोमीटर आपके कौन कौन से हैं, एक तो आपका ट्रांसमिशन है बेल्ट ट्रांसमिशन, ठीक, और दूसरा है टॉर्सन. और ये जितने भी आपके ये डायनोमीटर दिए हैं ये आपके ट्रांसमिशन डायनोमीटर नहीं है. ठीक, तो ये सारे कौन से हैं, ये सब आपके हैं एब्जॉर्प्शन डायनोमीटर. ओके, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ई पार्ट, नन ऑफ द अबव. इसके बाद 185 है, द फॉलोइंग टाइप ऑफ डायनमोमीटर इज़ यूज्ड व्हेन इट इज़ डिजायर्ड टू मेजर द लार्ज पावर्स ऑफ द स्टीम टर्बाइन प्रॉपलिंग द नेवल शिप. ठीक, तो इसके लिए किस डायनमोमीटर का यूज करते हैं, टॉर्सन डायनमोमीटर का. ठीक, जो अभी मैंने आपको बताया जो कि एक ट्रांसमिशन डायनमोमीटर है. ओके, तो 185 का करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट. इसके बाद 186 है, द ब्रेक कॉमनली यूज ऑन ट्रेन बोगीज. तो ट्रेन बोगीज में किस ब्रेक का यूज करते हैं, सू ब्रेक का. ठीक, पहले कौन सा ब्रेक यूज होता था, तब होता था बैंड ब्रेक. ठीक, तो उसमें क्या होता था, हीट डिसिपेशन कैपेसिटी जो होती थी वो बहुत ही पुअर होती थी. ठीक, इसलिए हम लोग सू ब्रेक का यूज करने लगे हैं. इसके बाद 187 है, पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट, अ फ्लाई व्हील इज यूज टू लिमिट द इनएविटेबल फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड ड्यूरिंग ईच साइकिल. सही है, कंट्रोल द मीन स्पीड ऑफ रोटेशन. ये तो वर्क है गवर्नर का. इसके बाद सी है, स्टोर्स ऑफ एनर्जी एंड गिव्स अप वेन एवर रिक्वायर्ड. ये भी फ्लाई व्हील के लिए सही है. डी ए रेगुलेट द स्पीड ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ अ प्राइम मूवर. ये भी सही है फ्लाई व्हील के लिए. और ई ए एब्जॉर्ब्स एनर्जी व्हेन टर्निंग मोमेंट इज ग्रेटर देन द रजिस्टिंग मोमेंट. ये भी आपका फ्लाई व्हील के लिए सही है. तो इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, बी वाला, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट दिया है ये इन्होंने गवर्नर के लिए दिया है. ओके, इसके बाद 188 है, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ डिस्क टाइप फ्लाई व्हील ऑफ डायामीटर. तो देखिए जो आपका मास मोमेंट ऑफ इनर्सिया होगा वो डिस्क टाइप फ्लाई व्हील के लिए कितना होगा, एम के स्क्वायर इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू. ठीक, तो एम से एम कैंसिल, तो के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाई टू. तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर बाई रूट टू. तो आर को जब उसमें लिखेंगे डी के टर्म में, के इक्वल टू डी बाई टू रूट टू. ओके, तो इसमें जो नियर आंसर होगा वो आप लोग टिक करिएगा. ठीक, तो आपका आंसर क्या आएगा, डी बाई टू रूट टू. ओके, तो मेरे हिसाब से जो करेक्ट आंसर आएगा वो डी बाई टू इंटू 1.414, तो 2.828 के अराउंड आएगा. तो उसके हिसाब से आप लोग टिक कर लीजिएगा. इसके बाद 189 है, अ फ्लाई व्हील एब्जॉर्ब्स एनर्जी ड्यूरिंग दोज पीरियड्स ऑफ क्रैंक रोटेशन व्हेन द टर्निंग मोमेंट इज ग्रेटर देन द रजिस्टिंग मोमेंट. द एब्जॉर्प्शन इज अकम्पनाइड बाई इंक्रीज इन स्पीड. ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी पार्ट. इसके बाद 190 है, द कॉन्टेक्ट एंगल इन टेपल्ड रोलर बियरिंग
वेराइज बिटवीन 12 से 16 डिग्री। ठीक, देखिए ये आपको एंगल याद ही करने पड़ेंगे, इसमें समझने लायक कुछ नहीं है, ये आपको एंगल याद ही करने पड़ेंगे। इसके बाद 191 है, फॉर हैवी थ्रस्ट द कॉन्टैक्ट एंगल इन टेपर्ड रोलर बियरिंग वेराइज बिटवीन, तो ये होता है आपका 28 से 30 डिग्री। ओके, तो इसके आप लोग सीधे सीधे आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, टेपर्ड रोलर बियरिंग के लिए 12 से 16 डिग्री होता है, और हैवी थ्रस्ट बियरिंग के लिए जो है फॉर हैवी थ्रस्ट टेपर्ड रोलर बियरिंग के लिए कितना होता है 28 टू 30 डिग्री होता है। ओके, इसके बाद 192 है, इन अ वेल ग्रीज्ड बॉल बियरिंग द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन मे बी, तो वो कितना होता है 0.1 से 0.25। ओके, तो 192 का हो गया बी पार्ट। इसके बाद 193 है, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इंजन इज द, तो देखिए जैसे कि ये है आपका डायग्राम, टर्निंग मोमेंट डायग्राम है, इसमें जो आपका एनर्जी का डायग्राम दिया गया है वो इस तरह से दिया गया है, मीन एनर्जी आपकी क्या है वो ये है, तो इसके ऊपर का जितना एरिया होगा वो होगा आपका फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, इसके ऊपर का एरिया और इसके नीचे का एरिया बराबर होगा, तो नीचे या तो आप ऊपर का एरिया लीजिए या तो आप नीचे का एरिया वो लीजिए, तो ऊपर का एरिया वो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी होगा और नीचे का एरिया भी फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी होगा, तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या हुआ, ये हुआ आपका वेरिएशन ऑफ एनर्जी अबव एंड बिलो द मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन। ओके, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए पार्ट। इसके बाद 194 है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जी, सो 194 का सी पार्ट। 195 है, कोफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ये क्या होता है, रेशियो ऑफ द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी टू द वर्क डन पर साइकिल। ओके, ये होता है आपका कोफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, तो 193 का ए, 195 का आपका डी पार्ट करेक्ट है। इसके बाद 196 है, कोफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, ये क्या होता है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड टू द मिनिमम स्पीड, मतलब कि एन मैक्स माइनस एन मिन डिवाइडेड बाय एन मैक्स प्लस एन मिन डिवाइडेड बाय 2। ठीक, ये होता है आपका कोफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, तो 196 का ई पार्ट है। 197 है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इन अ फ्लाईव्हील, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इंटू कोफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, ई को आप लिख सकते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आई ओमेगा स्क्वायर इंटू सी एस, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है आई ओमेगा इंटू डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड, अगर यहाँ पे आप मीन स्पीड लिखेंगे तो उसको इन्होंने यहाँ पे जब स्क्वायर होगा तो उससे कैंसिल हो जाएगा, तो पहला वाला सही है। सेकंड आई मीन एंगुलर स्पीड ओमेगा इंटू कोफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, ठीक, तो आई ओमेगा मीन एंगुलर स्पीड इंटू कोफिशियंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड सी एस, यहाँ पे आपका स्क्वायर होगा, सेकंड वाला सही नहीं है, ये इन्होंने यहाँ पे स्क्वायर लगाना ये भूल गए। इसके बाद थर्ड है 2 इंटू मैक्सिमम, ये तो आपको पहले ही वो बताया 2 इंटू सी एस, तो इसमें जो करेक्ट आ रहा है वो आपका ए आ रहा है और सी आ रहा है, या तो इन्होंने सेकंड में क्या करा है यहाँ पे इन्होंने स्क्वायर नहीं लगाया है, नहीं तो आपके तीनों ही ऑप्शन सही होंगे, बस यहाँ पे इनका मीन एंगुलर स्पीड में स्क्वायर होना चाहिए। ओके, तो इसलिए अगर आप यहाँ पे स्क्वायर लगाते हैं तो आपके ऑल ऑफ द अबव होगा आंसर। ठीक, इसके बाद 198 है, इन द रिम टाइप ऑफ फ्लाईव्हील, मतलब कि इस तरह से ये, ठीक ये, तो इसमें जो मेजर मास होता है वो कहाँ पर कंसंट्रेटेड होता है, तो वो आपका होता है अराउंड द पेरिफेरी। ठीक, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए पार्ट। 199 है, द सप्लाई ऑफ वर्किंग फ्लूड टू द इंजन टू सूट द लोड कंडीशन इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नर, देखिए जब आप लोड को इनक्रीज करेंगे तो आपकी स्पीड कम होती रहेगी जब तक आप सप्लाई को इनक्रीज ना करें। ठीक, अगर आप लोड को डिक्रीज करेंगे तो आपकी स्पीड इंक्रीज होती रहेगी जब तक आप सप्लाई को रिड्यूस ना करें। ठीक, तो जो सप्लाई का कंट्रोल करना है वो कौन करता है, तो वो करता है गवर्नर। ओके, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट। 200 है, द स्पीड वेरिएशन ऑफ द इंजन कॉज्ड बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ इंजन टर्निंग मोमेंट आर कंट्रोल्ड बाय, तो
तो ये जो फंक्शन है वो है फ्लाईव्हील का. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट. इसका 201 है फॉर सेम लिफ्ट ऑफ स्लीव रेंज ऑफ स्पीड ऑफ प्रोल गवर्नर एज कम्पेयर टू पोल्टर गवर्नर. तो इसका क्या होता है, जो रेंज ऑफ स्पीड ऑफ प्रोल गवर्नर होता है वो ज़्यादा होता है पोल्टर गवर्नर से. आपको प्रोल और पोल्टर गवर्नर तो पता ही है कि इसमें ये है आपका पोल्टर गवर्नर. ओके, और अगर आप इसको अगर आप प्रोल गवर्नर देखेंगे तो वो जो होता है उसमें जो लिंक होती है जिससे बॉल कनेक्ट होती है वो एक्सटेंड हम लोग कर देते हैं. ठीक, वो और वो पोल्टर में कहाँ पे था, यहाँ पे बॉल कनेक्ट थी, इसमें यहाँ पर कनेक्ट है. ओके, इसके बाद इन अ हार्टनल गवर्नर इफ द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग इज इंक्रीज गवर्नर विल बिकम मोर सेंसिटिव. ओके, तो 202 का करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट. इसके बाद 203 है द गवर्नर यूज्ड इन ग्रामोफोन इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप. तो वो गवर्नर होता है पिकरिंग गवर्नर. ओके, इसके बाद 204 है फॉर अ गवर्नर रनिंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्लीव इज. अगर कॉन्स्टेंट स्पीड पे चल रहा है गवर्नर तो फोर्स कितना होगा एक्टिंग ऑन द स्लीव, तो वो होगा जीरो. ओके, तो करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट. इसके 205 है हार्टनल गवर्नर कुड बी क्लासिफाइड अंडर द हेड ऑफ. तो ये किस टाइप का गवर्नर है आपका, तो हार्टनल गवर्नर जो होता है वो होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल टाइप. ओके, और जो पोल्टर गवर्नर होता है वो आपका किस टाइप का होता है, वो होता है डेड वेट टाइप. और जो वॉट गवर्नर होता है वो होता है पेंडुलम टाइप. ठीक, ये तीनों गवर्नर आपको याद होने चाहिए. इसके बाद 208 है द क्वालिटी ऑफ गवर्नर कैन बी जज. देखिए, आप अगर SS रत्न बुक में जाएंगे तो उसमें पहला ही पेज होगा जो उसमें SS रत्न बुक का गवर्नर का पहला ही पेज, वहाँ पे आपको सारे गवर्नर के टाइप दिए हुए हैं. ठीक, तो आप लोग वो टेबल बनी हुई है तो उसको आप लोग देख लीजिएगा. इसके बाद 208 है द क्वालिटी ऑफ अ गवर्नर कैन बी जज्ड बाई इट्स स्टेबिलिटी सेंसिटिविटी इफल्ट एंड पावर. तो इन चारों से ही क्वालिटी हम लोग गवर्नर की जज कर सकते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, डी पार्ट. 209 है सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर इज डिफाइंड एज. तो ये होता है रेंज ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय मीन स्पीड. देखिए, एक होता है सेंसिटिवनेस एट नो लोड, एक होता है सेंसिटिवनेस एट फुल लोड. जो नो लोड पे होता है वो होता है रेंज ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय मीन स्पीड, और जो फुल लोड पे होता है वो होता है मीन स्पीड डिवाइडेड बाय रेंज ऑफ स्पीड. ओके, इसके बाद 210 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर. तो मैंने आपको अभी बताया जो हार्टनर है वो स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर है, और हाल्टुंग भी है, पिकरिंग भी है, विल्सन हार्टनर भी है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ई पार्ट. अब देखिए, अगर आप SSC JEE के एग्जाम के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अब आप हार्टनर गवर्नर के अंदर तो पढ़ेंगे नहीं ना, नहीं तो आपका पूरा टाइम उसी में चला जाएगा. आपको बस आपको उसका टाइप पता होने चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के अंदर कौन कौन से आते हैं, उसमें से स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर कौन कौन से हैं, डेड वेट टाइप में कौन कौन से हैं, ठीक, पेंडुलम टाइप में कौन कौन से हैं. ठीक, तो ये आपको मतलब ऊपर गवर्नर का आपको पता होना चाहिए. जैसे कि आप बॉयलर जब भी आप SSC JEE के लिए पढ़ेंगे, तो मैंने वो लेक्चर इसमें दिया हुआ है, मैंने उसमें सिर्फ उसकी SS सीरीज बताई है, उसके टाइप बताए हैं. ठीक, तो वही मतलब SSC JEE में पूछा ही जाता है. अभी 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 5 क्वेश्चन आए थे बॉयलर के, और पाँचों के 5 उसके टाइप पे बेस्ड थे ना. तो इसीलिए मतलब कि SSC JEE के प्री के एग्ज़ाम के लिए आपको टॉपिक पता होना चाहिए. ठीक, तो आप लोग इसको देखिएगा. तो इसके बाद नेक्स्ट 30 क्वेश्चन आएंगे अगले लेक्चर में. सो थैंक यू गाइज एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.